नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, सेक्रेटरी DLSA किन्नौर। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अभी 13/5/2023 को नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज हो रही है। मैं सब डिवीजन लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन कम चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाली लोक अदालत और जो न्यू सिस्टम किन्नौर में इनॉग्रेट हुआ है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, उसके बारे में जनता को अवेयर करें। जी सर। नमस्कार। और किन्नौर के हमारे सारे लिटिगेंट्स, स्टूडेंट्स, हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स एंड लॉयर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो 13/5/2023 में ये जो एक फेस्टिवल के रूप में हम नेशनल लोक अदालत मनाएंगे, उसको सक्सेसफुल बनाने में दिन रात हमारी कोशिश में लगे हैं। पुलिस वालों का भी, खासकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और स्पॉट ट्रायल और चालान के मैटर्स को प्री लोक अदालत के थ्रू और नेशनल लोक अदालत के रूप में डिस्पोज ऑफ कराने के लिए। मैं सबसे पहले सेक्रेटरी साहब आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले ही लोक अदालत का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 1 करोड़, जी हाँ, आप न्यूज़ में ये तो लगातार सुनते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स के पास ही 2 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जी सर, पर आप मानेंगे केवल पिछले ही लोक अदालत में 1 करोड़ का हमने रिकॉर्ड कायम किया है केस डिस्पोज ऑफ करने का, जिसमें से 75% प्री लिटिगेशन वाले केसेस थे, यानी कि 75 लाख, और 25 लाख हमारे पेंडिंग केसेस। यस सर। इसका मतलब आम जन इस तरीके से समझे कि आपकी बीमारी से पहले ही हमने उसको डायग्नोज कर लिया और हमने पहले ही आपको छोटी सी दवाई देकर आपको बचा लिया। अदरवाइज आप बीमार होते, हॉस्पिटल आते और सर्जरी तक पहुंचता तो 2 रुपये का चीज़ है वो 200 में भी आपको बराबर नहीं मिलता। 2 लाख खर्च के भी आप उस हेल्थ को रिगेन नहीं करते। यही हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपका फाइनेंशियल हेल्थ लोक अदालत से डायरेक्टली जुड़ा है। सेक्रेटरी साहब, एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शिवा शक्ति वर्सेस शुगर मिल्स का, जी सर, जिसमें कि हम जजेस को डायरेक्ट, चाहे हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, पर ये कहा कि आपको हर जजमेंट में एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। और मैं उसी को करते हुए, अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए आपको बताना चाहूँगा, आपको बहुत खुशी होगी, आज भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना हमारी गवर्नमेंट देख रही है और जुडिशरी, क्योंकि खुद आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट है, पिछले लोक अदालत में हमने, आप गैस कर सकते हैं, कितने बिलियन रुपये रियलाइज करके दिए? आंसर इज 90 बिलियन। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 90 बिलियन का मतलब है शायद वर्ल्ड में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा इस चीज़ का तो नहीं है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं, लेकिन दो चीज़ आपने मुझसे पूछा कि एक लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम एक नया इंट्रोड्यूस किया है नालसा ने, यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और इस लोक अदालत के बारे में। पहले मैं लोक अदालत के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। लोक अदालत का मतलब है कि जिस बीमारी में आपको ऑपरेशन की, सर्जरी की जरूरत नहीं है, हाजमोला से ठीक हो सकता है, तो उसमें क्यों आप ऑपरेशन टेबल तक आओ और सर्जन का टाइम भी खराब करो और अपनी हेल्थ और पैसा दोनों। इसके लिए हम प्री लोक अदालत लगाते हैं और प्री लिटिगेशन में आपकी बीमारी को पहले ही डायग्नोज करके वहीं ख़त्म कर देते हैं। बैंक्स के केसेस, रिकवरी केसेस, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बिल के केसेस हो, ये मामले कोर्ट तक पहुँचे ही क्यों? और चलो अगर आप पहुँच भी गए हो तो आपको मैं बता दूँ, आपका हम कोर्ट फीस भी वापस कर देते हैं, 2/3, 1/3 अगर केसेस रेगुलर कोर्ट के द्वारा करते हैं, पर लोक अदालत में आपको 100% रिफंड कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। यस सर। और 90 बिलियन रुपीज़ अगर समाज को, सोसाइटी को, नेशन को लोक अदालत वापस करती है, तो इससे आप समझ सकते हो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 10 साल में हो जाएंगे, अगर केवल नेशनल लोक अदालत हमने सक्सेसफुली रन किया। इसीलिए इसकी इम्पैक्ट को समझें, क्यों हम फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे प्योर इकोनॉमिक्स है और आपका विन विन सिचुएशन है। आपकी जो भाइयों के साथ झगड़े हैं, बंटवारों के, मियां बीबी के झगड़े हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या डिवोर्स को लेकर, और आपको लगता है कि इतना प्रोसीजरल, इतनी हरासमेंट है कि 10 साल बाद वो केस का निपटारा होगा जो लोक अदालत में सेम डे में हो सकता है, क्योंकि लोक अदालत में आप हैरान रह जाएंगे, सब्जेक्ट मैटर से आउटसाइड की चीज़ को भी लाकर, पूरे भारत में आपका कहीं पर भी झगड़ा है उसके मैटर को लाकर एक ही टेबल पे ख़त्म किया जा सकता है। सपोज आपका मियां बीबी का केस दिल्ली में भी चला है, गुड़गांव में भी चला है और किन्नौर में भी चला है, तो आपको पता है किन्नौर के लोक अदालत में आप उन दोनों का ब्यौरा देकर वो केस भी यहीं ख़त्म करा सकते हैं, और इसकी कोई अपील दलील नहीं है, कोई आपका फीस नहीं लगता, किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए ये विन विन सिचुएशन है। अब मैं आता हूँ लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम। यस सर।
ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये हमारे लॉ के स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए। आपने देखा था कि जब भी आपको कोई मारता था, पीटता था, दांत तोड़ देता था, क्रिमिनल केसेस हैं, तो आपको वकील नहीं करना पड़ता था, आप विक्टिम हैं और आपकी तरफ से स्टेट खड़ी मिलती थी, जिसको हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, या डेप्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीए के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। सिविल साइड में वो अटर्नी, डिप्टी अटर्नी और इस तरह हो जाते हैं। सरकार के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो तो एडवोकेट जनरल है और सुप्रीम कोर्ट में अटर्नी जनरल है। लेकिन डिफेंस के लिए आपको लॉयर करना पड़ता था, लेकिन ऑलरेडी आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के कारण हम इंडिया के 75, जी हाँ आप गलत नहीं सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट 75% लोगों को, सिटीजन को इस महान देश में फ्री यानी एब्सोल्युटली फ्री न्याय मिलता है, ना कोर्ट फीस ना वकील का खर्चा। रीजन 50% लेडीज हैं, और लेडीज किसी भी कास्ट, क्रीड, फाइनेंशियल स्टेटस की हों, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, चाहे वो ऐश्वर्या राय, उनको भी अगर वो आए तो फ्री कानून सहायता मिलता है। और सहायता का मतलब लोग सोचते हैं कि केवल एडवाइस या केवल केस डालना, कोर्ट फीस का या खर्चा या किसी की सर्विस करवाने का खर्चा, नहीं, A to Z। लेकिन होता क्या था, पहले भी हमारे पास पैनल लॉयर थे जो आप प्रोवाइड करते थे, हम भी एज ए चेयरमैन प्रोवाइड करते हैं अपने लेवल पे, और उन सब चीज़ों के बावजूद पैनल लॉयर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रखते थे। यस, जिसके कारण वो पूरा डिवोशन नहीं दे पाते थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2015 से लेकर आज तक अगर आप काउंट करें तो 2 करोड़ अगर हमारे केसेस पेंडिंग है, तो उसमें केवल 90,000, इवन नॉट 90 लाख, लोगों को हमने फाइनेंशियल एड या लीगल एड दिया है। इससे पता चलता है कि ये प्रतिशत बहुत ही छोटा है। तो हमने ये ज़रूरत समझा कि लोग डिवोटेड हों बिल्कुल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह, उनको भी गवर्नमेंट जॉब की तरह एक सिक्योरिटी हो, ताकि वो इधर उधर अपने प्राइवेट केसेस में ध्यान ना लगाएं और डेडिकेटेड होकर डिफेंस में, एडवर्सरियल सिस्टम में एक्यूज को भी वो प्रोटेक्शन दें। आप सेक्रेटरी साहब इस बात को गौर करें कि भारत में जो प्री ट्रायल हमारी जेल में एक्यूज बंद हैं, वो ज़्यादातर 80% IPC के केसेस में बंद हैं। yes. और 20% स्पेशल लॉज में, और 80% जो IPC के अंदर बंद हैं वो मजिस्ट्रेट्स के आगे कोई बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस, कई बार सीरियस ऑफेंसेस भी हैं, और उसके पीछे रीज़न है। कई बार वो बेल का पैसा नहीं दे पाते, कई बार उनके पास लोकल जमानती नहीं होता। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहता हूँ, आप भारत के किन्नौर में अगर किसी की जमानत कराना चाहते हैं तो हम ये आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि हमें किन्नौर का ही श्योरिटी चाहिए। और नए कानून में ये जो हम लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम ला रहे हैं, इनकी ड्यूटी है 1 महीने में ये मजिस्ट्रेट को रियलाइज कराएंगे कि सर जनाब ने इसमें एक बेल और श्योरिटी रखा था, वो श्योरिटी नहीं पाया, वो जेल में है, अब इसको रिलैक्स कर दिया जाए, क्योंकि 1 महीने से वो दे नहीं पा रहा। पहले ये 7 दिन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था 436A में, अवेलेबल ऑफेंसेस में, और हम डीम्ड दरिद्र या गरीब मान के उसको बेनिफिट देते थे, मगर बाकी जगह नहीं था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 1 महीने का एक बोला है कि इसके बाद आप रिलैक्सेशन के लिए फिर से तैयार हो जाएं और रिलैक्स कर दें। 445 CRPC हम यूज़ नहीं करते, जिसमें कि अगर आपके पास जमानती नहीं है तो आप कैश अमाउंट देकर 10,000, 15,000, जो भी जज साहब बोलते हैं, मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं, आप बेल आउट हो सकते हैं। यस सर। और आप सोचेंगे 10,000 तो मेरे खराब हो गए, नहीं, जैसे ही ट्रायल खत्म होगा आपको 10,000 वापस मिल जाएंगे। हाँ, सरकारी पैसा है तो वो बिना ब्याज के मिलेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अब लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम मजिस्ट्रेट के लेवल पे हम इसको असिस्टेंट लेवल का कहते हैं, सेशन लेवल पे डेप्यूटी और चीफ, 3 लेवल पे हमने इसको बनाया है, और उनकी बकायदा तनख्वाहें हैं 70,000, 40,000, सबसे लोवेस्ट हम 40,000 दे रहे हैं। तो ये जो सरकार ये पैसा दे रही है वो डेडिकेटेड, ताकि वो कहीं और काम ना करें, उनको बकायदा ऑफिस दिया है, कंप्यूटर्स दिए हैं, असिस्टेंट दिया, पियोन दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, और वो केवल बेल मैटर्स में नहीं, ट्रायल में भी आपकी मदद करेंगे, A to Z चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। और यानी कि अब जो भी अंडर ट्रायल है या कोई भी गरीब है जो अपना डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकता, वो केवल अप्लाई करें, हमारे DLSA की बिल्डिंग में बैठते हैं सर, आप वहाँ पर जाएं और आपको फ्री लीगल एड काउंसिल मिलेगा। क्योंकि लीगल एड काउंसिल है हमारे लेवल पे असिस्टेंट, फिर डेप्यूटी, फिर चीफ सेशन लेवल पे, तो तीनों टायर में आपको ये मदद मिलती है। यानी कि पूरी जुडिशरी में ये एक नया इनोवेशन है, फिलहाल इसको 2 साल के लिए रखा गया, फिर हम उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। यस सर। एक चीज़ जो सर लोगों को एक गलतफहमी होती है कि ये तो नए नए बच्चे खड़ा कर देते हैं, वो हमें डिफेंड नहीं कर पाते, जी सर, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, इस बार एक्सपीरियंस रखे हैं हम लोग, जैसे डिप्टी के लिए तो बकायदा जजमेंट्स वगैरह भी हमने कॉल किया सर, जिन्हें आपको पता, बाकी जनाब बताएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम इस प्लेटफॉर्म से आम जनता को ये बताना चाहते हैं
कि ऐसा नहीं है, बकायदा प्रैक्टिस रखी गई है और ट्रायल्स के लिमिट्स भी तय किए गए हैं, खासकर चीफ जो हमारे हैं और फिर उसके बाद जो डेप्टी लेवल है वहाँ पर हमने बकायदा नंबर रखे हैं कि इतने ट्रायल आपको करे होने चाहिए ताकि आप बिल्कुल नॉविस ना हो, एक नव सीखिए की तरह ना खड़े हो, क्योंकि वहाँ सीरियस नेचर के होते हैं। यहाँ पर भी हमने प्रैक्टिस की लिमिट रखी है 0 से 3, जो मजिस्ट्रेट लेवल की बातें हैं, फिर 7 साल, फिर 10 साल, इस तरह अलग अलग 3 टायर हैं। और इसी तरह हमने ट्रायल्स की लिमिट भी रखी है और प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के बाद वो आपके साथ खड़े होते हैं, उनका बकायदा इंटरव्यू लिया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस को लगातार वॉच किया जाता है और 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के बाद ही उनको परमानेंट किया जाएगा। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको सही से डिफेंड नहीं करते और या उनको लीगल जैसे रिमांड की बातें होती हैं 60 डेज 90 डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लॉ लगातार आपने देखा रितु छाबड़िया की जजमेंट आई, उसके तुरंत बाद आपने देखा तलवार की जजमेंट आई और इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गया। और अब CZAR ने तलवार को भी और रितु छाबड़िया को फिर से चैलेंज कर दिया है कि इसमें रिव्यू डलना चाहिए था। इतना एमीबा की तरह लॉ चेंज होता है, अगर हमारे लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम मजिस्ट्रेट्स को अवेयर नहीं करते कि लेटेस्ट पोजीशन क्या चल रहा है। आपको पता है रिमांड में कोई भी एक्यूज खड़ा है वो तो लॉ नहीं पढ़ता, तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है उनको बताने की। किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए एप्लीकेशन दे दिया तो वो भी वैलिड मोड है। ये सारी चीज़ों के लिए असिस्टेंस के लिए ही हमने पैनल सिस्टम को ख़त्म किया है, पैनल लॉयर को, और पूरी तरह से उनको भी हमने ख़त्म नहीं किया, वो भी पैनल चलेंगे, पर फिलहाल ये डेडिकेटेड एक आपको दिया जो 100% केवल आप लोगों के वेलफेयर के लिए। धन्यवाद, और विश्वास करते हैं इस लोक अदालत में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू सर, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी और विस्तारपूर्वक दी, आप मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।